तो क्या हाल है? सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बट आपको क्या फर्क पड़ता है? हमने लो टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर मालूम भी है फिर भी मैं जानबूझ के आपको बताऊंगा कि आज मैं सबसे बेहतरीन फोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ, और मैं उन सारे ऐप्स को आपको यूज करके भी दिखाऊंगा कि फोटोज की ऐसी की तैसी कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार पहले जान लो फोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में। तो यार ये जान लो कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन के जो ऐप्स होंगे वो पीसी के एडिटिंग सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। गजब बेइज्जती है। और आजकल भी लोग चाहते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टा पे अपने फोटोज को एडिट करके अपलोड करें, और सबके पास बड़े पैसे नहीं पड़े होते जो वो फ्लैगशिप फोन्स ले सके जिनमें ऑलरेडी अच्छा कैमरा हो, तो उन्हें एडिट करना जरूरी होता है। मुझे भी करना पड़ता है बहुत बार। तो मैं भी आज ऐसे ही कुछ ऐप्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसके मदद से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ये सारी छोटी बातें हैं, इनको बदल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन प्ले स्टोर में इतने सारे फोटो एडिटिंग ऐप्स हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डाउनलोड करें। तो इसलिए आज मैं आपको 6 बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बताऊंगा अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो पहला ऐप है पिक्सेल आर की रेटिंग 4.3 है प्ले स्टोर पे, और इस पे 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ऐप आपके फोन का बस 27 MB स्टोरेज लेगा। आप इस ऐप पे बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हो क्योंकि ये ऐप आपको बहुत सारे टूल्स और इफेक्ट्स देता है। इसका एक मेन फीचर है जिसमें आप बस ऑटो फिक्स पे क्लिक करके कलर को बैलेंस कर सकते हो। और यार मैं जो आपको ऐप्स बताने भी वाला हूँ आगे, उसमें से बस मैंने 2 ही ऐप्स यूज किए हैं और ये भी मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो यार कुछ सस्ती एडिटिंग भी देखने को मिलेगी आपको। तो यार मैं पिक्सेल आर पे ये फोटो एडिट करने वाला हूँ, तो देख लो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. दूसरी ऐप आती है फोटो लैब पिक्चर एडिटर। ये ऐप वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोटो एडिटिंग ऐप्स में आती है और इसको 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग 4.4 है और ये ऐप आपके फोन स्टोरेज का बस 54 MB स्पेस लेगा। इस ऐप पे आप अपने फोटो पे 900 से ज्यादा इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। इस ऐप पे आपको कुछ स्मार्ट फिल्टर्स भी दिख जाएंगे जैसे डेप्थ इफेक्ट, ग्लिच आर्ट और स्मार्ट टच अप जैसे कुछ फीचर्स। इसमें आप फोटो को एक आर्ट बुक में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इस ऐप में आप अपने फेसेस को भी एक्सचेंज कर सकते हो। इसमें भी मैंने कुछ बनाया तो देख लो एक बार। पोजीशन पे आती है लाइटरूम। ये ऐप मेरा पर्सनली फेवरेट है और इस ऐप के भी 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, 4.3 गूगल पे रेटिंग है और ये ऐप आपके फोन का बस 79 MB स्टोरेज लेगा। इस ऐप के मदद से आप अपने फोटोज के डिटेल्स को सिलेक्टिव एडिट्स के साथ कंट्रोल कर सकते हो। इस ऐप के कुछ इंप्रेसिव फीचर्स भी है जैसे आप अपने फोटोज में एक एक्सट्रीम लेवल का ब्रश और एनहांसमेंट कर सकते हो और फिगर्स को फोटोज में टर्न करके सिलआउट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई फोटो आपने लो लाइट कंडीशन में लिया है तो उसके आप हेज और ग्रेन्स को भी एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ऑसम फीचर है। और ये कैजुअल फोटो एडिटिंग ऐप नहीं है, इसको प्रोफेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। इसपे मैं इस फोटो को एडिट करूंगा, देख लो कैसी बनती है। We are heroes tonight.
पोजीशन पे आती है ये। प्रिज्मा के भी 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, 4.5 रेटिंग है और ये ऐप आपके स्टोरेज का 12 MB स्पेस लेगा जो इस पूरे लिस्ट में लोएस्ट है। इन यूजर्स के पास एंट्री लेवल स्मार्टफोन है वो इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये ज्यादा MB नहीं लेगा आपके स्टोरेज का और ये ऐप बहुत ज्यादा स्मूथ है। के आर्ट फिल्टर लाइब्रेरी में 300 से ज्यादा इफेक्ट्स है और हर दिन ये एक नया आर्ट फिल्टर जरूर लाता है। ओवरऑल ये फोटो एडिटर है, बहुत इजी टू यूज है, तो मैंने प्रिज्मा को भी ट्राई किया था इस फोटो को एडिट करने के लिए, तो देख लीजिए आप। फिफ्थ पोजीशन पे आता है स्नैप स्पीड। आपके भी 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, 4.5 की रेटिंग है, ये आपके स्टोरेज का बस 24 MB लेगा और सबसे बड़ी बात ये गूगल प्ले स्टोर पे एडिटर चॉइस भी है। ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप कंट्रोल पॉइंट की मदद से कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे भी फोकस कर सकते हो अपने फोटो के। मैं वन टच फिल्टर्स भी जो बहुत यूजर फ्रेंडली है और ये भी बाकी एप्स की तरह वाइड रेंज ऑफ फिल्टर्स आपको देता है। यार मैंने इसको भी ट्राई किया था, तो देख लो एक बार। सिक्स पोजीशन पे आती है मेरी फेवरेट ऐप जो की है, मैं यार वीडियो के थंबनेल्स भी इसी से बनाता हूं। अगर तुम पूछोगे कि कैसे, तो इसका आंसर है इस ऐप की रेटिंग है 4.3, ये 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है इस ऐप के, 42 MB की स्टोरेज लेगा और ये एडिटर चॉइस भी है। यार पिक्सार्ट एक इमेज एडिटिंग कोलाज ड्राइंग एप्लीकेशन और एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, मतलब यार इस पे इमेज को लाओ, एडिट करो, लेयर्स लगाओ उस पे और आप अपने इमेज को पिक्सार्ट कम्युनिटी के भी साथ शेयर कर सकते हो और वहीं से आप डायरेक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो। ऐप iOS में भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड में होता ही है और विंडोज फोन में भी अवेलेबल है और यार इस पे मैंने इनकी एडिटिंग की है, तो देख लो। And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. यार बस इतना ही, सारे ऐप्स की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में और यार इस टॉपिक का ज्यादा ट्रेंड नहीं चला तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना शेयर करो इसको और उनसे शेयर करना जिनको ये कंटेंट पसंद आए। और यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बटन है ना इसको भी आप क्लिक करके ग्रे कर सकते हो, मतलब एकदम फ्री फिल्टर है यूट्यूब पे, बस एक क्लिक करो ग्रे हो जाएगा और सेव कर दो उसको। यार बस आज के लिए इतना ही, बाय।